प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद आशीर्वाद। क्या बात है सेठ रामधन, आज तो तुम्हारी आंखों में बड़ी प्रसन्नता चमक रही है। महाराज, आपकी कृपा से मेरे घर में पुत्र जन्म हुआ है। मैंने कहा था ना रामधन, भगवान के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं, सब भगवती माँ की कृपा है। हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हैं। महाराज, मैं सही समय लिख कर लाया हूं, उसकी अच्छी सी कुंडली बना दीजिए। कुंडली का अच्छा होना तो भगवान के हाथ की बात है, मैं तो सिर्फ इतना प्रयत्न करूंगा कि कुंडली सही बने। तुम मंगलवार को ले जाना जी। कोई अच्छा सा नाम भी सुझा दीजिए महाराज। हाँ हाँ, नाम भी सुझा दूंगा। अच्छा महाराज, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम महाराज। हाँ। कुंडली बनाने के लिए कुछ पुष्प पत्र? नहीं नहीं सेठ रामधन, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये सब कुछ मैं कमाने के लिए नहीं करता, लोगों का भला हो इस भाव से करता हूँ। अब मैं क्या कह सकता हूँ महाराज, आप ले लेते तो अच्छा था। फिर भी महाराज, ये 125 रुपए की मिठाई आप मेरे परिवार की तरफ से आश्रम में बांट दीजिए। सेठ रामधन, तुम्हारा पुत्र तुम्हारे लिए ईश्वर का आशीर्वाद लेकर आया है, तुम्हारे लिए सौभाग्यशाली है। अब तुम जाओ, मंगलवार को आकर कुंडली ले जाना। जी। बेबी जी, ये लीजिए कपड़े। ठीक है, डरते हैं। अरे भगवान, गुरुजी का कहना है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और हमारा कहना है कि देर आए पर दुरुस्त आए। है बच्चे की कुंडली बनवा कर लाए हैं तो अच्छे बताए होंगे गुरुजी ने। उतना ही है जितना सब में होते हैं। कोई अच्छा बुरा? अच्छे है, सब अच्छे ही अच्छे है। नाम क्या सुझाया है? रतन। रतन, ये तो रतन से भी बढ़कर है मेरा लाल। लाल और रतन दोनों कीमती चीजें हैं। हम बच्चे का नाम रतन लाल रख देते हैं। तुम्हारी सब बातें धन दौलत के साथ ही होती है, इसलिए तो हमारा नाम है सेठ रामधन। मेरे लिए तो ये राम रतन धन है। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो री मैंने राम। अरे तुमने इसे राम का रतन बना दिया, मेरे लिए तो ये काम का रतन है। आगे चलकर ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तुम देखना। मेरा सारा कारोबार संभालेगा ये, मुझसे दुगना धन कमाएगा ये, तुम देखना। ओफो, जाओ, मैं इसे दूध पिला रही हूं। अरे मैं खुद जल्दी है मार्केट पहुंचना। सिर्फ हमें ये विश्वास है कि अगर आज हम इसकी शक्ल देखकर जाएंगे ना तो आज के सौदे में 25,000 रुपए का फायदा होगा हमें। हाँ लो देख लो। अरे अरे सेठ रतनलाल, आज तेरे नाम की परीक्षा है बेटे। मुबारक हो मालिक। मुबारक। क्या हुआ मुंशी प्यारे लाल? अरे अपनी तो तकदीर खुल गई गाजर खा के। अरे बात क्या है, हमें भी तो बताओ। अरे मालिक, काली मिर्च, लाल मिर्च, दाल, चिली, लौंग और सौंठ के दाम बढ़ गए गाजर खा के, पर अपने पास तो माल ही माल है। धीरे बोल, धीरे धीरे। अगर लोगों को भनक हो गई कि हमारे पास इतना माल है तो दाम फौरन गिर जाएगा। तू आज के आज ही सारा माल निकाल दे। अरे मालिक मेरी सुनो तो, 2-4 दिन माल और दबा के रखो ताकि दाम और बढ़ेंगे गाजर खा के। मूर्ख, माल सारा आज ही निकल जाना चाहिए, जरा समझने की कोशिश कर। रतनलाल रोज रोज पैदा नहीं होते, और देख आज शाम तक माल निकल जाए ना तो दुकान पे और घर पे दोनों जगह पे दीप माला जला देना, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि हम रतनलाल के बाप बन गए हैं। और ध्यान रहे वो दीप माला बड़े वाले नहीं, ये छोटे छोटे दिए ना, ताकि इसमें तेल कम पड़े। मालिक, इतने वर्षों से आपके साथ काम कर रहा हूँ गाजर खा के, और इतना भी नहीं समझूंगा। समझदार हो गए तुम गाजर खा के। प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद आशीर्वाद। रतनलाल प्रणाम करो बेटे। अरे बच्चा इतना बड़ा हो गया? आपकी दया से 6 साल का हो गया है गुरुजी, कल स्कूल भर्ती करवाने ले जा रहे हैं इसे, आपका आशीर्वाद चाहिए। खूब पढ़े, खूब लिखे।
बस आप ही की कृपा होनी चाहिए। बेटा उठाना, उठान जल्दी से, उठा 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 उठा। धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। बच बच कर कर चल चल बच कर चल जी। वाह मजा आ गया। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। मुझे भी आप हर रोज इसी तरह ये पाठ पढ़कर सुनाया करते थे, बच कर चल। और मैं तो आज तक उस पर अमल करता आ रहा हूँ मास्टर जी। वो जमाना और था सेठ रामधन जी। मास्टर जी मुझे सेठ कहकर मत कहिए, मैं तो बच्चा हूँ आपका, आपके बैंक के निशान अभी तक मेरे पीठ पर है। वो जमाना और था जब तुम मार खा लिया करते थे, अरे अब तो मारने को भी डर लगता है। अरे अगर मारने के लिए बेत उठाओ तो ये कम वक्त आंखें उठाते हैं। अच्छा, पढ़ाने में कोई मजा नहीं रहा, कोई मजा नहीं रहा। तुम क्यों आए हो? छोटे सेठ को दाखिल करवाने के लिए। इस बच्चे का नाम भी आप रजिस्टर में दाखिल कर लीजिए, और मेरी खामियां जो आप पूरी नहीं कर सके मारने के बावजूद, इसमें मत रहने दीजिएगा। कोशिश करेंगे। मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ। मिठाई लाए हैं? अबे ओ गाजर के बाद मुंशी, इधर आना। ये लीजिए लड्डू। इतने इतने सारे लड्डू? बच्चों का मुंह तो मीठा होना चाहिए ना मास्टर जी। गाजर खाके मीठा होता ही रहता है। अच्छा तो मास्टर जी, अब बच्चे को संभालिए, इसे खूब पढ़ाइए। हैं बेटा, हम शाम को आएंगे तुझे उठाने के लिए, मुंशी तेरे साथ ही रहेगा। जय हिंद मास्टर जी। जय हिंद जय हिंद। भैया बारिश होने को है। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? रतन। तुमसे पूछा? बेटे तुम वहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? हटो पीछे पीछे हटो, पढ़ाने में तकलीफ मत दो। हाँ भाई बोलो। हाँ बच्चा बच्चा कर कर चल चल बच्चा कर चल बच्चा कर चल। प्रणाम गुरुजी। आओ सेठ रामधन आओ। सब कुशल तो है ना? सब आनंद कुशल है महाराज, सब आनंद कुशल है। आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि मेरा बेटा मेरे लिए भाग्यशाली रहेगा महाराज। उसके जन्म के बाद व्यापार में, घर में, हर जगह आनंद मंगल है। भगवान करा सर। ये इतने सारे बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं? कुछ अनाथ बच्चों को इकट्ठा किया है, समय का सदुपयोग हो तो इनको पढ़ा लिखा देता हूँ, और चढ़ावे के रूप में जो कुछ भी आता है वो इनको खिला देता हूँ। या बहुत अच्छा करते हैं महाराज, बहुत अच्छा करते। लेकिन आज आप कैसे आए? महाराज मैं अपने बेटे का मुंडन संस्कार कराना चाहता हूँ। एक ही एक बेटा है, खूब धूमधाम से कराना चाहता हूँ। दावत पूजा पाठ सब कुछ होगा, और मैं चाहता हूँ सब कुछ आप ही के हाथों से हो महाराज। आज तो सिर्फ मैं मुहूर्त निश्चित कराने आया था, कोई अच्छा सा दिन बता दीजिए। अगले सोमवार का बहुत महत्व है। तो ठीक है, मैं उसे एक दिन पहले आ जाऊंगा। जिन जिन वस्तुओं की जरूरत है मुझे आप लिखवा दीजिएगा, मैं ले आऊंगा। अच्छा अच्छा महाराज, प्रणाम आशीर्वाद आशीर्वाद। वाह कोई और बात? जी मैं सोच रहा था कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो तो मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि आपको कुछ नहीं चाहिए, परंतु मेरा जी चाहता है कि अगर ऐसी बात है तो जो आप ठीक समझे इस दान पेटी में डाल दीजिए। अनाथ बच्चों की खातिर मैंने पेटियाँ रख दी है। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। सेठ रामधन जी। अरे प्रणाम गुरु जी। इतने दिनों बाद सब कुशल तो है ना? अरे महाराज आप तो जानते हैं, घर वाली के निधन के बाद
अकेला रह गया हूँ, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। मालूम है भाई, मालूम है। तुम्हारा एक लड़का भी तो है ना, वो आ गया मंदिर से पढ़कर। महाराज उसने तो आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ, आज वो आ रहा है, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ दिलाने के लिए। भाई मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम लोगों के साथ है। महाराज ये छोटे मालिक, मैं तो कब से आपके लिए हार लेकर वहां खड़ा था गाजर खाके। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जल्दी से आरती उतारो ना। अरे भाई तुम पैर छुओ गाजर खाके। अरे अरे ये सब हंगामा करने की क्या जरूरत थी? आपके आने की खुशी में ये सब हंगामा किया है गाजर खाके। बेटे जिसे तुम हंगामा कह रहे हो ना, वो हमारे प्यार का उबाल है, जोश है। हम जो कुछ भी करते हैं ना, दिल खोल कर करते हैं। अगर आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो शायद वो इससे भी ज्यादा करती। गलत, माँ अगर होती तो ऐसा बिल्कुल ना करती। वैसे एक बात बताइए पिताजी, क्या ये कार किसकी मांग कर लाए आप? ज्वाला प्रसाद, बिन मांगे भेज दी उन्होंने। वैसे ज्वाला प्रसाद जी का क्या बात है, बहुत दिलदार आदमी। हाँ पेट्रोल डलवा के भेजिएगा। पिताजी मुझे भी एक ऐसी गाड़ी दिलवा दीजिए ना। क्यों नहीं, शहर से पढ़ के आए हो ना गाजर खा। हाँ हाँ जरूर जरूर, लेकिन वैसे हम समझते हैं कि शादी के बाद दहेज में एक गाड़ी तो जरूर मिलेगी, तो फिर अब दो दो गाड़ी क्या करनी है गाजर खा के? दो गाड़ी शादी? किसकी शादी, मेरी? नहीं तो मेरी नहीं पिताजी, नहीं मैं शादी वादी नहीं करूंगा। फिलहाल आप मेरे लिए गाड़ी ही ले दे तो बहुत अच्छा। ठीक है बेटे, गाड़ी ले देंगे, ऐसी भी क्या बात है। लेकिन हम समझते हैं कि शादी के बारे में भी सोचना चाहिए। अब इस घर में एक बहू आनी चाहिए, घर घर तो लगे। और सबसे पहले तुम मेरा कारोबार संभालो। अब बहुत हो गया है, मैं बहुत हो गया, मैं तब क्या हूं। अब मैं कुछ दिन सुख चैन से भगवान के भजन में गुजारना चाहता हूं। पिताजी आप सभी कुछ इसी वक्त करना चाहते हैं? बेटे तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि आज मैं कितना खुश हूं। आज के दिन के इंतजार में मैंने इतने सारे बरस किस तरीके से छीन कर काटे हैं, तू सोच नहीं सकता। तू सोच नहीं सकता बेटे कि आज आज मैं क्या क्या नहीं करना चाहता। मैं इतना खुश हूं। मगर पिताजी मैंने तो सोचा था कि मैं कोई नया काम शुरू करूंगा। क्या? मैं कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहता हूँ, सड़कें बनाना चाहता हूँ, पुल बनाना चाहता हूँ। बेटा लेकिन नया काम जमाने में तुझे कई साल लग जाएंगे, और अपना इतना इतने सालों से धंधा जमा जमाया है, तू इसे क्यों नहीं संभालता? अगर मैं कब तक काम करता रहूंगा? पिताजी आप अभी इतने बूढ़े नहीं हुए, आप अपना काम करते रहिए और मुझे दूसरा काम करने दीजिए। बेटे एक बात साफ साफ सुन लो, कोई और काम करने के लिए तुझे कहीं और जाकर रहना पड़ेगा तो मैं तेरी एक नहीं मानूंगा, एक नहीं मानूंगा। तेरी उम्र ऐसी है कि तू मुझसे अलग रह सकता है, मगर इस उम्र में मैं तुझसे अलग कैसे रह सकता हूं? नहीं पिताजी नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मुझे गलत मत समझिए। तो ठीक है तू मेरी बात मान ले बस, और शादी की तैयारियां कर ले। पहुंच गए पिताजी? हाँ बेटा पहुंच गए। चलिए उठिए पिताजी। हाँ आप मंदिर हो आइए, मैं डाक बंगले का काम निपटा कर आता हूं। ठीक है, मैं जरा गुरुजी से मिलके आया। संभल के यहीं मिलूंगा तो मैं आपका यही इंतजार करूंगा। प्रणाम गुरु जी। अरे सेठ रामधन जी, आओ आओ बैठो बैठो बैठो। आपके आश्रम ने तो बड़ी उन्नति कर ली। हाँ जब संसार में अनाथ बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो अनाथ आश्रमों की उन्नति तो होगी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था सेठ रामधन, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जब मेरे छोटे से आश्रम में इतने अनाथ बच्चे हैं तो संसार में कितने होंगे। लगता है इनकी सेवा ही भगवान की सेवा है। महाराज आपकी बात में बड़ा सार है। लो देखो मैंने भी तुम्हें कहां उलझा दिया। कहो कैसे आना हुआ? बेटे की शादी करनी है महाराज, मुहूर्त तो आप ही निकालेंगे। अगले महीने की 19 तारीख बहुत अच्छा दिन है। महाराज एक और बात है। हाँ हाँ कहो क्या बात है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की शादी ज्वाला प्रसाद जी की बेटी से हो। लेकिन मेरे भाई इस संबंध में मैं क्या कर सकता हूँ? आप प्रार्थना कर सकते हैं महाराज, प्रार्थना कि मेरे बेटे को उनकी बेटी पसंद आए। महाराज इतना ऊंचा घराना है वो,
इतनी जायदाद है वो महाराज, और इकलौती बेटी है, किसी को और क्या चाहिए होगा है महाराज। प्रार्थना कीजिए बस, मुझे आपकी प्रार्थना में पूरा विश्वास है कि मेरे बेटे को उस ऊंचे घराने की लड़की पसंद आए महाराज। वैसे आप तो जानते हैं ना महाराज कि अनाथ बच्चों के लिए मेरे दिल में कितनी हमदर्दी है महाराज, है कितनी हमदर्दी है। आप प्रार्थना कीजिए महाराज कि ये हमदर्दी हमेशा रहे। हाँ, इन अनाथ बच्चों के लिए हमदर्दी रहनी चाहिए। हम नहीं कुछ करेंगे तो और कौन करेगा इन बच्चों के लिए महाराज। सोचने की बात है ना महाराज है। महाराज हमसे जितना बन पाएगा हम हमेशा करते रहेंगे इन अनाथ बच्चों के लिए महाराज। प्रणाम महाराज, प्रार्थना कीजिएगा। बेटे, लगता है तूफान आ रहा है। बेटे, बूंदाबांदी भी हो रही है और तूफान के भी आसार हैं। वापस चले, मैं समझता हूँ। पिताजी, लगता है ऊपर पहाड़ों पर बारिश हुई होगी। आप फिक्र मत कीजिए, आगे पहुंच जाते हैं। पिताजी, रतन, आप घबराइए मत पिताजी। बेटा, पिताजी, मैं उस समय नहीं जा रहा। गुरुजी प्रणाम। सेठ रामधन, तुम इस वक्त? और मैं आपसे कुछ। हाँ, अंदर आओ, अंदर आओ। बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो? आपने मेरे बेटे के बारे में तो सुना होगा। हाँ रामधन, जब मैंने सुना तो मुझे भी बहुत दुख हुआ। तुम्हारे दुख का अनुमान लगा सकता हूँ, लेकिन रामधन, होने को कौन टाल सकता है? जी गुरुजी, इसलिए मैंने अपना सब कुछ, अपनी धन दौलत आश्रम के नाम कर दिया। राम है, देख रहा हूं कि बेटे के द्वारा ही तुम्हें ईश्वर का वरदान प्राप्त हुआ है। आज तुम्हारा दिल इतना बड़ा हो गया है कि तुम आसानी से समझ सकोगे कि संसार में धन और सुख बांटकर ही जीना चाहिए। तुम्हारे इन पैसों से आश्रम के इन अनाथ बच्चों को जीवन का आधार मिलेगा, ये जिंदा रह सकेंगे। और तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें लगेगा
कि तुम्हारा रतन भी इन्हीं सब में कहीं छिपा हुआ है और उससे तुम्हारे मन को बहुत शांति मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी रामधन।